सब सबको ऐड अच्छा लगा? मैं सुंदर लगी? हाँ, आदमी लोग तो कोई बोला नहीं, लड़की मैंने, ये कौन सा बीबियां देखेंगे, बोल दो अच्छी लगी मैं इसमें। बट मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि एड्स की ऑफर नहीं थी। बट सबको लगता है कि जो मोटे होते हैं लोग वो उसी प्रोडक्ट के लिए बनते हैं जो मोटापे वाले होते हैं। जैसे अभी आप लोग हंसोगे मैं बोलूँगी, मुझे एक आटा होता ना, आटा जो खाते हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनना था कि आपको ना आटे के ऊपर आटा पकड़ना है रोटी और वो आपको एक ऐड करना है। फिर एक मुझे घी का ऐड मिला था, फिर एक छाछ का मिला, फिर एक नाम नहीं बोलूँगी, हलवाई है उनका ऐड मिला था कि आपको ऐड भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे जो बाहर पोस्टर है दुकान के बाहर लड्डू के साथ खड़े रहना है। तो मेरे को इतना होता था कि यार, मतलब मैं कभी कभी मन में सोचती थी कि यार जो मोटे लोग होते हैं इन्हीं एड्स के लिए बचे। बट जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अप्रोच किया, तो पहले तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे, क्रीम की ऐड के लिए, लोशन की ऐड के लिए भारती कैसे। फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई फेक तो नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं जब इनसे मिली तो उन्होंने बताया, मैं जैसी थी मैं वैसी ही गई, अभी तो चलो मेकअप किया हुआ है, मैं पूछूँ मैं ऐसी ही थी। मैं कहा इनको पहले भी देख लिया, क्योंकि टीवी पे मेकअप होता है तो इनको लगा होगा यस स्किन बड़ा अच्छा है तो इसको लेते हैं। ये मैं जैसी नेचुरल थी मैं वैसे ही गई, तो उन्होंने वो भी देख के बोला कि आपका स्किन बहुत अच्छा है। और मैं बार बार उनको पूछूँ आपने मुझे ही लिया है ना, मतलब आप कर रहे हैं ना हम, क्योंकि जब तक जिस दिन ऐड की शूटिंग नहीं हुई मुझे विश्वास ही नहीं था। मैंने कोई मेरा नेचुरल फ़ोटो देखे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मना ही ना कर दे, नहीं कल नहीं हो रहा। तो मुझे सच में मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बालोमी कि मैंने ये ऐड कर लिया। और इतना अच्छा ब्रांड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिसका लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा जी ने जिनका ऐड शूट किया था इस ब्रांड के लिए, अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक नज़रिया बदल रहा है और जॉय ने ये नज़रिया बदला है हम सबका। और मुझे इतना इन्होंने इतना मुझे मतलब लेक्चर दिया बैठ के कि आप सुंदर हो, ये वो, ये ऐसा नहीं है कि ऐड सिर्फ कैटरीना कैफ या करीना ही कर सकती है, आप लोग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कमर जिनकी 26 हो वही सुंदर होती हैं, 36 कमर वाली भी सुंदर होती हैं, मतलब अपनी कमर बता रही हूँ। और सच में मुझे आज सच में खूबसूरती का एहसास हो रहा है कि वाकई मैं सुंदर हूँ। और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इसकी ऐड किया, उससे पहले से मैं, मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं पहले से यूज़ करूँगी, मैंने सिर्फ 20 दिन पहले यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ जिसकी ऐड मैं कर रही हूँ, भारती सिंह जो लोगों को इतना हंसाती है, बिंदास है, कुछ भी बोल देती है, मैंने कहा कि पहले मैंने इनसे मांगी बॉटल, मैं कहा मुझे दो पहले मैं यूज़ करके देखूँगी। और वाकई जहाँ मतलब मैं यूज़ करती हूँ बॉडी पे, पूरा हमारे सेट पे इतने एसी होते हैं कि बार बार स्किन ड्राई हो जाती है। मैं बार बार अपनी स्किन को खुरच के देखती थी कि जो लोशन की ऐड करने जा रही हूँ वो सही है ना, और वाकई वो बहुत अच्छा है। और आज भी मैंने वही लगाया हुआ है तो अच्छे लग रहे हैं हाथ पर, है ना। और थैंक यू सो मच बालोमी, और थैंक यू सो मच जॉय कि आपने मुझे चुना। और आपने सच में जब ये ऐड ऑन एयर जाएगा टीवी पे, बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदलेगा, आधे लोगों के तो मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि जो पतली लड़कियां बैठी हैं कि हम करेंगी ऐड, ये करेंगी, अरे मोटी लड़की कर रही है, तो वो सच बात थी। और मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी मैंने यहाँ पे डायलॉग बोले बालोमी ने लिखे हैं। और सच में मैं पूछती रही कि राइटर कौन है, राइटर कौन है, तो ये भी बोलती नहीं थी किसने लिखे। फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लिखे, और वाकई वो मेरे सब दिल की बातें थी। जैसे आपने ऐड देखा होगा कि बचपन से ही ए लड्डू, ए कैसी हाथी, ए मोटी, ए मोटली, ए मोटू, यही कहते रहते थे, यही सब नाम मिले थे। तो मतलब आज वही नाम को मैंने अपनी पहचान बना लिया, ठीक है। लोग बोलते हैं मैं मोटी हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मोटी हूँ। आज से कुछ 10 साल पहले जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और सब लड़कियां मस्त छोटे टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, और अब मेरे साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं था, तो मैं इतना, मेरे को होता था कि यार सब ये कपड़े पतली लड़कियों के लिए मिले हैं, भगवान भी ना। तो आज मैं सॉरी मांगती हूँ भगवान से और थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी इतनी बड़ी ऐड कर रही हूँ। और जितने भी लोग मुझे सुनेंगे या पेपर में पढ़ेंगे या टीवी पे देखेंगे, तो प्लीज़ उनको मैं कहना चाहती हूँ, आप जैसे हो, आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है,
और कभी भी ये मत बोलिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरे माँक है, मेरे बाल नहीं है, मेरे कम है, मैं मोटी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने हमको सोच के बनाया है और मुझे भी सोच के बनाया था, और आज कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं एड में, वो तो चलो। और मैंने